Hello everyone, welcome to the third class of Pure Substances. आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. ठीक है, मिक्सचर्स का हमने पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को फिजिकल फॉर्म में कंबाइन किया जाता है. ठीक है, अब उन जो मिक्सचर्स हैं उनके जो कॉम्बिनेशन हैं उनको सेपरेट कैसे किया जाता है. ठीक है, उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था एक बार वो रिवाइज कर लेते कि सॉल्यूशन कैसे बनता है. सॉल्यूशन पढ़ा था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं. ठीक है, सॉल्यूट क्या था, सॉलिड पार्टिकल्स जैसे सॉल्ट हो गया. ठीक है, सॉल्वेंट क्या था, कोई भी लिक्विड जैसे वाटर हो गया. दोनों मिला के जब वो प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाते हैं क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं. तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है कि इस सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट इस लिक्विड यानी कि 100 ग्राम्स ऑफ लिक्विड में कितना डिजॉल्व हो सकता है एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर. अब टेम्परेचर पॉइंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो टेम्परेचर है वो सॉल्युबिलिटी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है जो आगे पढ़ेंगे. ठीक है, फॉर द टाइमिंग देखिए कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इस सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो इस लिक्विड के या इस सॉल्वेंट के 100 ग्राम्स में डिजॉल्व हो सकता है एट गिवन टेम्परेचर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे है कि 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, इस पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम्स. ठीक है, और ये लिक्विड है 100 ग्राम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस में 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में सिर्फ 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व होके ही सॉल्यूशन बना सकता है. तो इसे क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी. ठीक है, देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर इज 32 ग्राम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर का पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे मार्क कर लीजिए, याद रखिए. ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, अभी हमने पीछे सॉल्युबिलिटी के बारे में देखा था कि सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर पॉइंट मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे. अब क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. यानी कि अगर हम किसी लिक्विड में कोई सॉलिड पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, ठीक है, उस सॉल्वेंट का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दें तो उसके जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर पानी में शुगर क्यूब्स डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर पानी को थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो शुगर है वो बहुत ईजिली डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, इसके रिवर्स में क्या है कि अगर उसको अगर बिल्कुल ही चिल्ड वाटर लिया है, ठीक है, अगर उसमें शुगर डिजॉल्व करने का ट्राई करें तो वो उसको डिजॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है. देयरफॉर जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड्स में इन लिक्विड्स यूजुअली इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है और डिक्रीज करने से डिक्रीज होती है. नेक्स्ट इसमें जो है प्रेशर. अब प्रेशर का कोई भी जो डिफरेंस है वो सॉल्युबिलिटी पे नहीं पड़ता है. इट मींस कि जो अगर किसी भी लिक्विड में कोई सॉलिड डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेशर से. ठीक है, प्रेशर से वो हमेशा अनअफेक्टेड रहेगा उसकी सॉल्युबिलिटी. ठीक, अब है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. अगर किसी भी लिक्विड में गैसेस जो है वो डिसॉल्व कर रहे हैं, इट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर. अगर उस पर जितना प्रेशर डालेंगे उतना ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये वाटर है, कोई भी सॉल्वेंट ले लो, उसमें ये गैशियस पार्टिकल है. जैसे जैसे उसमें प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ देख सकते हैं. देखो पहले यहाँ पे कोई भी रेड डॉट नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे रेड डॉट्स आ गए. इट मीन जो गैसेस हैं वो लिक्विड में जो है वो डिसॉल्व हो रही हैं. यानी कि जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी. ठीक है, इसमें और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जो भी एरिएटेड ड्रिंक्स होती है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जूसेस हैं, ये इन सब में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके उनमें फिल किया जाता है. जैसे अगर उसको कैप ओपन करो तो बहुत ज़्यादा फिज आता है. वो फिज क्या होती है, बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो रिलीज होती है. ठीक है, तो जितना प्रेशर
लिक्विड पर डाला जाता है उतना ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? टेम्परेचर का बेसिकली रिवर्स इफेक्ट है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसमें इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड में डायरेक्ट रिलेशन था, टेम्परेचर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज, लेकिन गैसेस का लिक्विड्स में रिवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेशर का लिक्विड्स में फर्क पड़ता है अगर उसमें गैसेस डिजॉल्व करें तो। वो इंक्रीज होती है प्रेशर को इंक्रीज करने से और डिक्रीज होती है प्रेशर को डिक्रीज करने से। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम सॉलिड्स को लिक्विड में चेंजेस कर सकते हैं, लिक्विड्स को गैसियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या था, चेंजेस थे। अब दो टाइप के चेंजेस होते हैं, सबसे पहला है फिजिकल चेंज, नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि कोई भी ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उस चेंज को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड्स में हो रहा है, लिक्विड से गैसियस में हो रहा है। ठीक है, सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल आइस है, ठीक है, आइस को अगर थोड़ा मेल्ट करें तो वो वाटर फॉर्म में बन जाएगी, थोड़ा बॉयल करें तो वो गैसियस फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, वाटर को अगर फ्रीज कर दिया, फ्रीजर में रख दिया, वो वापस आइस बन जाएगी। ठीक है, रहता तो वो सेम ही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, उसकी जो फॉर्म है सिर्फ वही चेंज हो रही है, तो उन चेंजेस को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज बेसिकली क्या होता है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, पेपर को जला दिया तो उसमें काला काला वो रेजिड्यू बच जाता है, ठीक है ना, ब्लैक रेजिड्यू बच जाता है, तो यानी कि एक नया सब्सटेंस बन गया है। तो यानी कि वो चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस, उनको हम वापस उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। अगर पेपर को एक बार बर्न कर दिया, उसको दोबारा पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो उन चेंजेस को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, इसके और एग्जांपल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लग जाए, ठीक है, उसको दोबारा उसी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार दूध से दही बना ली तो उसको वापस मिल्क में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कोई भी खाना बना रहे हैं उसको वापस रॉ फॉर्म में कर सकते हैं चेंज, नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है उसे क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एंड केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी यानी कि कुछ टाइम के लिए उसको हम वापस उसके यूजुअल या नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी कि इट कैन बी रिवर्स। लेकिन जो केमिकल चेंज है वो एक परमानेंट चेंज है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकते हैं। आइस को वाटर में चेंज कर सकते हैं, वाटर को दोबारा आइस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन पेपर को बर्न करने के बाद उसको दोबारा पेपर में नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, यानी कि वो जो चेंज है वो परमानेंट हो जाता है, उसको दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। और फिजिकल चेंज में बहुत ही कम लाइट या हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आइस को मेल्ट करने के लिए अगर वाटर में चेंज करना है तो उसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, बहुत ही कम होती है, कम ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या बहुत ही कम एनर्जी वो रिलीज करता है। लेकिन केमिकल चेंजेस में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब या रिलीज की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोल है, कोल को बर्न करें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इसलिए पहले के टाइम में कोल वगैरह को खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, इंजन्स में यूज़ किया जाता था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जो है वो हीट एनर्जी रिलीज करते थे। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है कि मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर, यानी कि मास जो है उसका ऑल्टर। मास यानी कि अगर मान लो कि हमने 1 kg आइस ली है, अगर उसको मेल्ट करके वाटर में चेंज करें तो वो उसका जो मास है वो 1 kg ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में उसका मास जो है वो ऑल्टर हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि अब जो कोल है, कोल को बर्न करने के बाद हीट एनर्जी रिलीज कर देता है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में क्या बच जाता है, उसका रेजिड्यू बन जाता है, जिसे राख वगैरह टाइप बोलते हैं।
ठीक है, तो वो उसका जो वेट है और जो हमने ओरिजिनल कोल लिया था उसका जो वेट है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज में उनका मास सेम रहता है, उस केमिकल चेंज में मास जो होता है सब्सटेंस का वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस के फर्स्ट क्लास में सेपरेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें था कि मिक्सचर कैसे बनता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू कंबाइन करके एक मिक्सचर बनाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि उस मिक्सचर को सेपरेट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है वो डिपेंड करता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे, यानी कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स से उसको मिलकर बनाया गया है उस पर ही डिपेंड करता है उसको कैसे सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, और इन मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है, यूजिंग फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस क्यों? क्योंकि उनको फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू ही कंबाइन करके बनाया जाता है, उसमें केमिकल प्रोसेसेस यूज नहीं होते हैं। केमिकल प्रोसेसेस किस में यूज होते हैं, याद है लास्ट क्लास में किया था, किस में यूज होते हैं, कंपाउंड्स में यूज होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू इन मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, यानी कि दो कोई भी अलग अलग टाइप के सॉलिड को मिला के एक मिक्सचर बनाया जाता है, उसको कैसे सेपरेट करते हैं। आज की क्लास में हम यही टॉपिक कवर करेंगे, जो नेक्स्ट टू सेपरेशन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट इसमें है कि मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एक सॉलिड और एक लिक्विड को मिला के जो मिक्सचर बनाया जाता है उसको कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, लास्ट इज कि दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, दो सॉलिड्स को मिला के एक मिक्सचर बन सकता है, सॉलिड लिक्विड को मिला के मिक्सचर बन सकता है, लिक्विड लिक्विड को मिला के मिक्सचर बन सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, यानी कि दो सॉलिड पार्टिकल्स को कंबाइन करके जो एक मिक्सचर बनाया गया है उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। उसको सेपरेट करने के तीन मेथड्स हैं, सबसे पहले जो है यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट, नेक्स्ट है सब्लिमेशन, लास्ट इज यूजिंग मैग्नेट। फर्स्ट मेथड दैट वी हैव इज सेपरेशन बाय सूटेबल सॉल्वेंट। इसमें इस प्रोसेस के इस मेथड में क्या है कि अगर दो सॉलिड्स हैं, ठीक है, दो सॉलिड्स को मिला के एक मिक्सचर है, ठीक है, उनमें से अगर एक सॉलिड पार्टिकल जो है वो किसी भी सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट में अगर वो डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, तो उस सॉल्वेंट के थ्रू उनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, और ये किस उस पे टेक्निक पे बेस्ड होता है कि उनके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी में जो है वो डिफरेंस होता है, यानी कि एक जो पार्टिकल है वो सॉल्युबल होगा और दूसरा पार्टिकल जो है वो सॉल्युबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सैंड एंड शुगर का मिक्सचर है, सैंड एंड शुगर का मिक्सचर है, सैंड तो देखो पता है डिजोल्व नहीं होती है, लेकिन शुगर जो है वो पानी में डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये इमेज है इसमें देख सकते हैं ये एक ग्लास है, ठीक है, इसमें मिट्टी वाला पानी है, ठीक है, और इसमें शुगर भी है, ठीक है, इसलिए ये वाइट होती है, इसमें थोड़ी सी आपको विजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सैंड है वो पानी में डिजोल्व नहीं होती है, यानी कि वो थोड़े टाइम बाद नीचे आके सेटल हो जाएगी। ठीक है, और जो जितनी भी शुगर है वो इस पानी में डिजॉल्व हो जाएगी क्योंकि वो सॉल्युबल होती है। ठीक है, तो इस पानी को कैसे, अब इसको साफ कैसे कर सकते हैं, यूजिंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी कि उसको छान सकते हैं, घर में नॉर्मली सबके घर में स्ट्रेनर होता है, छन्नी होती है चाय वगैरह छानने के लिए। ठीक है, तो उसको उससे छाना जा सकता है। तो ये जो पानी होगा ये शुगर सोल्यूशन बन जाएगा और जो मिट्टी है वो स्ट्रेनर के ऊपर ही रह जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो मिक्सचर है शुगर और सैंड का उसको वाटर के यूज से उसको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस में क्या है कि अगर दो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करना है तो ऐसा सॉल्वेंट देखें जिसमें कोई भी एक जो सॉलिड पार्टिकल है वो इजिली डिजॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट मेथड दैट वी हैव इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमने मैटर चैप्टर में पढ़ा था कि क्या होता है, उसमें क्या था, ठीक है, कि कोई भी ऐसा सॉलिड पार्टिकल जिसको हीट करने पे वो डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाए या उसे कूल करने पे वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन के थ्रू ऐसे दो सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है जिसमें से एक कोई भी सॉलिड पार्टिकल सब्लाइम कर जाए ऑन हीटिंग, यानी कि वो डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाए। जैसे अभी इस इमेज में देख सकते हैं एक बोल में हीटअप कर रहे हैं एक मिक्सचर को, ठीक है, उसके ऊपर कॉटन लगा दिए ताकि जो जो सॉलिड जो सप्लाई करे वो ऊपर
फनल से ऊपर ना चला जाए, बिकॉज हमने इसको इस फनल पे कलेक्ट करना है। आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि जो कैम्फर है, ठीक है, यानी कैम्फर जो है बेसिकली सब्लाइम कर जाता है ऑन हीचिंग। ठीक है, हीच करने के बाद जो कैम्फर है ये और इवेपोरेट या और गैसेस फॉर्म में चेंज नहीं होता है, तो इसलिए ये फनल की साइड पे, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर कम होता है तो ऊपर आते आते इसके जो वेपर्स हैं ये कूल हो जाते हैं, तो कैम्फर जो है इसके साइड्स में कलेक्ट हो गया और जो सेकेंड जो सॉलिड पार्टिकल है वो यहीं पे ही रह जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों सॉलिड पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, यूजिंग सब्लिमेशन, क्योंकि इसमें जो कैम्फर है वो बेसिकली सब्लाइम कर जाता है। ठीक है, अब जो सॉलिड पार्टिकल्स ऑब्टेन किया है बाय कूलिंग द वेपर्स, ठीक है, इन वेपर्स को कूल करके जो सॉलिड पार्टिकल्स ऑब्टेन किया है, इस सॉलिड पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, सब्लिमेट, सब्लिमेट। ठीक है, और भी इसमें ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, जैसे आयोडीन है, नेप्थिलिन बॉल्स हैं, ठीक है, इन सबको हीट करके ये सब्लिमेट बन जाते हैं और उनको कूल करने के बाद, उनके वेपर्स को कूल करने के बाद ये सब्लिमेट फॉर्म में रिकवर कर सकते हैं। यानी कि ऐसे तो सॉलिड पार्टिकल्स जिसमें एक पार्टिकल जो है वो सब्लाइम कर जाए, उनको सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। लास्ट अब जो इसमें मेथड है वो है सेपरेशन बाय मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, चुंबक, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कोई आयरन हो तो उस प्रॉपर्टी के थ्रू, मैग्नेट की उस प्रॉपर्टी के थ्रू उसको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे अब इसमें देख रहे हैं क्योट है, किसके पीछे पड़ा रहता था हमेशा, रोड रनर। अब ये मैग्नेट यूज कर रहा है, इसको लग रहा है कि रोड रनर इससे आके अट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन इंस्टेंट क्या आ जाता है, इसके पास आयरन का टिन आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेट है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू जो है ऐसे मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है जिसमें आयरन हो। ठीक है, कुछ भी पार्टिकल जो है वो आयरन की फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मिक्सचर है जिसमें आयरन फिलिंग्स है या सल्फर पाउडर है, तो उसको ईजिली किसके थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, मैग्नेट के थ्रू। अब जो मैग्नेट है वो क्या होगा, अब जैसे ये मिक्सचर है, इसमें सल्फर और आयरन के पीसेस थे, अब मैग्नेट के थ्रू जो आयरन है वो इससे अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या बच गया, सल्फर बच गया। यानी कि ऐसे दो सॉलिड पार्टिकल जिसमें आयरन उसका कोई एक पार्ट हो, उसको इजीली किसके थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, मैग्नेट्स के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है और सल्फर जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ऐसे पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है जिसमें कोई भी एक पार्टिकल जो है वो आयरन की फॉर्म में हो। आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन देना चाहते हो, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ डू विजिट आवर वेबसाइट, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड MCQ पैकेजेस हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन रिव्यू क्वेश्चन करते टाइम, क्वेश्चन के बाद प्लीज़ वीडियो को एक बार ज़रूर पॉज कीजिए एंड उसका आंसर जो है वो खुद करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपको आज की क्लास में कितना समझ में आया है। Changes in which new substances are formed are called, ऐसे changes जिसमें कोई एक नया substance बनता है उसे क्या कहते हैं, physical change, solubility, chemical change या colloids, क्या कहते हैं उसे, chemical change। Next question is, mixture containing iron as one of its constituent can be separated by, ऐसा mixture जिसमें कोई iron उसका part है उसको कैसे separate कर सकते हैं, using solvent, सब्लिमेशन के थ्रू, डिस्टिलेशन या यूजिंग मैग्नेट। यस, इट कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग मैग्नेट्स। लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सॉलिड्स की जो लिक्विडिटी है लिक्विड्स में, उसका पे क्या फर्क पड़ता है, वो डिक्रीज हो जाती है, रिमेन कॉन्स्टेंट यानी कि कोई चेंज नहीं है, इंक्रीज हो जाती है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। द आंसर इज सी, इट इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।